चलिए लेक्चर नंबर 4 में चलते हैं आईसी के। लास्ट टाइम मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 में लॉगरिथम फंक्शन के बारे में बता दिया था, तो चलिए उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या हैं उसकी प्रॉपर्टीज़। मेरे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं लॉगरिथम फंक्शंस के ऊपर। पहली प्रॉपर्टी ये रही आप लोगों के सामने लॉग फंक्शन के बारे में ना, लॉग टू द बेस के ए इंटू बी, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग ऑफ बेस के प्लस बी। सेकेंड प्रॉपर्टी ये रही आप लोगों के सामने लॉग ऑफ ए अपॉन बी, ये तो बचपन वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, लॉग ऑफ के ए माइनस लॉग ऑफ बेस के इंटू बी। थर्ड फिर से एक और हमारे बचपन की प्रॉपर्टी लॉग टू द बेस ए एंड ए, अगर बेस और मेन फंक्शन इक्वल हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। फोर्थ प्रॉपर्टी लॉग टू द बेस बी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग टू द बेस ए इंटू बी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ जैम में कई बार हो जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर 5, 5 में क्या बोलता है आपके पास लॉग ऑफ बी ए, तो आप इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, मेन फंक्शन ऊपर है तो वो ऊपर ही रहेगा विद द बेस ए, विद द बेस के ये फंक्शन, लॉग ऑफ नीचे आ जाएगा के बेस के साथ बी, मैं इसको ऐसे स्प्लिट करके भी लिख सकता हूँ। सिक्स प्रॉपर्टी लॉग ऑफ बेस बी ए रेज टू पावर एन, लॉग क्या कहता है कि अगर कोई सिर पर चढ़ जाए तो उसे टाइम से पैरों को सिर से उतार देना चाहिए, तो यहाँ एम क्या है, ए के सिर पर चढ़ चुका है तो इसको हमने टाइम से नीचे उतार दिया। ये सिर्फ याद रखने के लिए मेरा पंच था आप लोगों के लिए, सिर्फ मजाक बोल के मजाक की बात कि हम उसे कोई भी पावर हो उसे हम आगे लिख सकते हैं। सेवन्थ प्रॉपर्टी लॉग ऑफ बेस रेज टू पावर एन और ए रेज टू पावर एम, अब यहाँ पर क्या एम ऊपर है तो एम ऊपर ही आ जाएगा, एन नीचे है तो इसको नीचे लिखेंगे, लॉग ऑफ बेस बी विद द मेन फंक्शन ए, इसको सिर्फ याद रखने के ये ट्रिक्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, डन। आगे चलते हैं, आप लोगों के पास टर्म क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एट्थ प्रॉपर्टी कि ए रेज टू पावर लॉग ऑफ ए इंटू बी, ए रेज टू पावर लॉग ऑफ ए इंटू बी, तो इसका मतलब टर्म क्या हो जाएगी, मुझे पता है लॉग की प्रॉपर्टी क्या, ये नीचे उतर जाएगा, मैं इसको फिर से ऊपर लिख सकता हूँ, तो इसको मैंने क्या कर दिया, बेस को चेंज कर दिया, बी रेज टू पावर लॉग ऑफ ए इंटू ए, लॉग ऑफ ए इंटू ए कितना होता है 1, तो ये हो गया बी, सिंपल प्रॉपर्टी आ गई मेरे पास बी, क्लियर होगी बात, डन। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लॉग ऑफ ए एक्स इज़ ग्रेटर देन लॉग ऑफ ए वाई, लॉग ऑफ ए एक्स अगर बेस सेम हो और ये इंक्रीज एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई वाला फंक्शन हो तो ये फंक्शन टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, एक्स इज़ लेस देन वाई, ये कब होगा जब ये ए की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और जब 1 से बड़ी होती है तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, मैंने आप लोगों को ग्राफ में बता दिया था। सिमिलरली अगर ये मेरे पास 1 से छोटी वैल्यू है और 0 से बड़ी वैल्यू है तो ये क्या फंक्शन हो जाता है मेरे पास, डिक्रीजिंग फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन हो जाता है मेरे पास, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये मेरे पास 9th प्रॉपर्टी थी, 10th एंड लास्ट प्रॉपर्टी लॉग ऑफ ई एक्स इज लेस देन लॉग ऑफ बेस ई इंटू वाई, ये भी मेरे पास टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, व्हेन एक्स इज लेस देन वाई और ई ग्रेटर देन 1 ये तब भी इंक्रीजिंग, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वाई और ई लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन डिक्रीजिंग, अगर वो ग्रेटर है तो ग्रेटर पर, लेस है तो लेस पर। ये थी लॉग की प्रॉपर्टीज़ जो मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हिंट देंगी, लॉग की प्रॉपर्टीज़ जो मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हिंट देंगी। तो एक और है, नोट में लिख लीजिए, नोट बनाकर साथ साथ लिखते भी रहना, अपने नोट्स यहीं से नहीं बनाते रहना, आपके पास क्या है, वाई इज़ इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स, तो इसका मतलब अगर मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करूँ तो ये लॉग ऑफ ए वाई इज़ इक्वल टू एक्स हो जाएगा, लॉग ऑफ ए वाई इज़ इक्वल टू एक्स,
when e is greater than 1, we know that the logarithm function is strictly increasing. और इसका जो सा डोमेन है वो x belongs to R, और रेंज है वो मेरे पास 0 to infinite. क्लियर. और जैसे ही मैं यहाँ पर a की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी रखता हूँ, देन द फंक्शन ग्राफ विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन. द फंक्शन ग्राफ विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन. और इधर भी हमारे पास जो डोमेन है वो x बिलोंग कर रहा है R से, और x बिलोंग कर रहा है R से, और रेंज जो है 0 to infinite. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अब हमारे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं. क्वेश्चंस में हमारे पास क्या क्या वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या वैल्यू दी हुई है. तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन. फाइंड द सॉल्यूशन, ये जैम का क्वेश्चन है. फाइंड द सॉल्यूशन वाई 1/2 x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ 1/3 x. मैंने log की जितनी भी आप लोगों के साथ प्रॉपर्टी शेयर करी है, ये सभी की सभी प्रॉपर्टी सेम बेस पर अप्लाई होती हैं. तो बेस को सेम करते हैं, मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख देता हूँ. वी नो दैट log ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1/log ऑफ बी ए. इस प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करने वाला हूँ कैसे, 1/log x, और ये 1/2 इज ग्रेटर देन 1/log x, और ये 1/3. यहाँ मेरे पास टर्म कितनी आ जाएगी, log x, और ये 1/3 इज ग्रेटर देन log ऑफ x, और ये 1/2. log ऑफ x और ये 1/2. ना लास्ट प्रॉपर्टी जो जिसके बारे में बात कर रहा था, मैं फिर से मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ यहाँ पर. वी नो दैट log ऑफ बेस e इंटू x इज ग्रेटर देन log ऑफ बेस e इंटू y. ठीक होगी बात, ये बेस e इंटू y. इसका मतलब टर्म कितनी है, अगर ये नंबर a की वैल्यू, यहाँ तो कितना आ गया हमारे पास x आ गया ये वाला नंबर, लेकिन अब ये x ये कितना है 1/3 ग्रेटर देन 1/2. 1/3 इज ग्रेटर देन 1/2 विच इज़ नॉट ट्रू. मुझे इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखना पड़ेगा. दैट इज़ इसको इधर ला लेता हूँ. तो ये वाला नंबर इसको मैं इधर लेके आता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ. तो log ऑफ a 1/2 इज लेस देन log ऑफ x 1/3. तो इसका मतलब टर्म कितनी होगी आपके पास यहाँ पर, 1/3. तो यहाँ से मेरे पास टर्म कितनी हो गई है, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3333 पार इज़ लेस देन 0.5 वाला नंबर, इज 0.5 वाला नंबर. और ये कब होता है, जब x की वैल्यू ये कब सेटिस्फाइड हो गई, ये वाला नंबर इज़ लेस देन 0.5 कब सेटिस्फाइड हो गई, फ्रॉम द लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 11, व्हेन x बिलोंग करे, मतलब बेस बिलोंग करे 0 से लेके 1 तक, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0. थोड़ा सही करके लिखते हैं, ये कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 पर ही ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी. तो मुझे तो सिर्फ सॉल्यूशन, मतलब x की वैल्यू निकालनी थी, मुझे मेरा आंसर मिल गया है. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ है आपके पास और कुछ नहीं है. चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ फटाफट आपके लिए, एक और क्वेश्चन. तो ये रहा क्वेश्चन आपके पास, एग्जाम्पल फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, फिर है आपके पास बी प्लस सी एक्स, और यहाँ है प्लस सी, यहाँ है प्लस सी, वेयर क्या दिया हुआ है, ए इज़ ग्रेटर देन 0, और क्या बोला हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. तो मुझे क्वेश्चन का डोमेन निकालना है. ध्यान रखिएगा, जब तक आप पूरी गिवन इंफॉर्मेशन का यूज़ अपने सॉल्यूशन में नहीं करते, आपका सॉल्यूशन गलत होगा ही होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास नंबर क्या दिया हुआ है, ए एक्स क्यूब ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, बी प्लस सी एक्स प्लस सी,
लॉग फंक्शन दिया हुआ है। लॉग फंक्शन हमेशा पॉजिटिव फंक्शन होता है और इसका मतलब अंदर वाला फंक्शन भी मेरे पास ई एक्स क्यूब ए प्लस बी एक्स स्क्वायर बी प्लस सी एक्स प्लस सी वाली वैल्यू भी पॉजिटिव हो गई। इसके मैं फैक्टर्स निकाल लेता हूँ, ए एक्स क्यूब मुझे स्क्वायर लिखे जा रहा हूँ बार बार, मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक्स सी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन ज़ीरो। मेरे पास टर्म कितनी आ जाएगी यहाँ पर, आपके पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यहाँ मेरे पास टर्म बन जाएगी आपके पास ए एक्स स्क्वायर और इसके साथ आ जाएगा एक्स प्लस वन, फिर आ जाएगा बी एक्स के साथ मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस वन और फिर आ जाएगा सी सी प्लस वन। चेक कर लो सी एक्स प्लस सी ठीक है, इसमें से इन दोनों में से ए एक्स कॉमन, इन दोनों में से बी एक्स कॉमन, इन दोनों में से सी कॉमन, इन तीनों में से एक्स प्लस वन कॉमन, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो। द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज इक्वल टू ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो। इसका मतलब एक्स की, फिर यहाँ पर मैं नंबर लाइन सिस्टम यूज़ करूँगा, एक्स की वैल्यू माइनस वन है, मेरे पास है पॉजिटिव नेगेटिव फॉलोड बाय पॉजिटिव साइन, इसका मतलब एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन। अब मुझे इसकी वैल्यू को यहाँ पर निकालना है, यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसको परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कर लेते हैं, परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कर लेते हैं इसे, कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगे। अगर मैंने यहाँ से ए कॉमन भी लिया, मैं यहीं पर कर लेता हूँ, एक्स प्लस वन इंटू ए ये कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी एक्स अपॉन ए और ये सी अपॉन ए हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर हाफ ऑफ कोफिशेंट ऑफ एक्स वो कितना है बी अपॉन ए बाय टू, इसका स्क्वायर करूँगा जब मैं, एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए ग्रेटर देन ज़ीरो, ये बन जाना है एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर और ये वाला नंबर बनना है माइनस बी स्क्वायर फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। अगर मैंने एलसीएम लिया तो, अगर मैंने एलसीएम लिया इस वाले टर्म में से फोर ए स्क्वायर, अब ये देख सकते हो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दिस इज़ द टर्म, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू कितनी आ गई ज़ीरो। आपके पास नंबर कितना बन गया एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो। अब यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू निकाल लेनी है और वैल्यू निकालते ही जो भी ऑप्शन होगा आपने उसे टिक कर देना है। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं, अब हमारे पास वैल्यू कैसे बनेगी, ओके अब मेरे पास टर्म कितनी है यहाँ पर आ रही है फ्रेम में आ रहा है ठीक है। मेरे पास अब यहाँ से टर्म कितनी आ गई एक्स अपॉन बी बाय टू ए का होल स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब एक्स अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन टू ए एक्स प्लस बी अपॉन टू ए ग्रेटर देन ज़ीरो। इसका मतलब सिर्फ मेरे पास एक वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन टू ए पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब मुझे ये वाली वैल्यू ऊपर पॉजिटिव साइन को शो करना है, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस बी अपॉन टू ए। लेकिन अभी मेरे पास पहले वैल्यू आई थी एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों के इंटरसेक्शन लूँ तो एक्स बिलोंग कर रहा है माइनस वन से लेके इन्फानाइट एक्सेप्ट बी अपॉन टू ए, बी अपॉन टू ए, क्योंकि यहाँ पर मुझे बी अपॉन टू ए की वैल्यू नहीं पता, तो माइनस वन से लेके इन्फानाइट बी अपॉन टू ए। तो मैं इसके ना ऑप्शन लिखता हूँ, जो ऑप्शन में हमारे पास जैम ने ऑप्शन दिए थे वो क्या ऑप्शन थे, नाउ आप देख सकते हो पहला ऑप्शन था हमारे पास एक्स बिलोंग कर रहा है वन टू इन्फानाइट एक्सेप्ट माइनस बी अपॉन टू ए, एक्स बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फानाइट से लेके माइनस वन एक्सेप्ट माइनस बी अपॉन टू ए,
एक्स बिलोंग कर रहा है आपके पास माइनस वन से लेके इन्फानाइट एक्सेप्ट माइनस बी अपॉन टू ए और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो क्या ऑप्शन रहा आपके पास, दैट इज़ थर्ड ऑप्शन। तो क्या था, सिर्फ मैंने लॉग की प्रॉपर्टी तो लगाई, लॉग दिस फंक्शन, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा, एक आ गया, दूसरा सॉल्व करा, देन इंटरसेक्शन पॉइंट ले लिए। समझाने में मुझे सिर्फ 3 या 4 मिनट लगे हैं, करने में आप सभी को इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, इस क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन और जैम का हम कर लेते हैं एग्जांपल, उसके बाद हम फिर दो क्वेश्चन है, उसके बाद हम फिर पीस वाइज फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। अब मेरे पास अगला एग्जांपल है, हमारे पास क्या दिया हुआ है मुझे, एफ ऑफ एक्स विद इज इक्वल टू लॉग टू द बेस ई, फिर उसके बाद है अंदर एक और फंक्शन है लॉग टू द बेस में है मॉड साइन एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स प्लस 23, फिर है माइनस 3 अपॉन लॉग ऑफ बेस में है 2 और मेन फंक्शन में है साइन ऑफ मॉड एक्स, मेन फंक्शन में है साइन ऑफ मॉड एक्स। मुझे सिर्फ अब इसकी वैल्यू में फाइंड द डोमेन, मुझे क्या बोला हुआ है यहाँ पर डोमेन निकालने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये लॉग का पता होना चाहिए ई ग्रेटर देन 1 और नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब मेन फंक्शन की वैल्यू मुझे पॉजिटिव लेनी है, इसका मतलब मेन फंक्शन क्या है लॉग टू द बेस मॉड फंक्शन और इसमें मेन फंक्शन है एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स 23 माइनस 3 अपॉन बेस में है 2 और ये है मॉड फंक्शन ग्रेटर देन 0। फिर वही वो बेस को सेम बनाना है, इसको ऊपर लेके जाऊंगा, ये बन जाएगा लॉग टू द बेस सेम एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स 23 माइनस 3 और ये बेस सेम करूंगा तो लॉग ऑफ मॉड एक्स नीचे आ जाएगा और ये 2 मेन फंक्शन में आ जाएगा। फिर मुझे पता है जो भी पैर पे पावर होती है, मतलब जो आगे होती है, उसको हम ऊपर लिख सकते हैं, ये बन जाएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स, ये बन जाएगा 23 माइनस और ये बन जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स का मॉड और ऊपर गया तो ये 2 की पावर 3 दैट इज 8। लॉग दोनों का बेस सेम है, लॉग एम माइनस लॉग एन, इसका मतलब कितना हो जाएगा लॉग टू द बेस एक्स का मॉड एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स प्लस 23 अपॉन ए इज इक्वल टू 0। जब मैं यहाँ हटाता हूँ, देखो बड़े ध्यान से समझना, जब ऐसी कभी कंडीशन आ जाए लॉग टू द बेस और ये मेन फंक्शन इज इक्वल टू 0, मुझे सिर्फ मेन फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसे लिखेंगे मेन फंक्शन एक्स स्क्वेयर 23 अपॉन 8 इज ग्रेटर देन बेस जो भी होगा उसकी पावर में इधर वाला नंबर लिखा जाएगा, बेस में आ जाएगा मॉड की पावर 0 और एनीथिंग बेस पावर 0 कितना होता है 1। तो एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स प्लस 23 अपॉन 8 इज ग्रेटर देन 1, यहाँ से मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास एक्स स्क्वेयर 8x प्लस 23 इज ग्रेटर देन 8। यहाँ से मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास लास्ट में बन रही है एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 15 एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 15, आपके पास टर्म कितनी आ गई लेस देन 0, फैक्टर आ रहे हैं x माइनस 3 और x माइनस 5 लेस देन 0, अप्लाई नंबर लाइन रूल जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को सिखा दिया था, दैट इज 3 दैट इज 5 एक्सप्रेशन के बाहर पॉजिटिव साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव फॉलोड बाय नेगेटिव साइन x बिलोंग कर रहा है 3 और 5 के ओपन इंटरवल में। क्या ये आंसर सही है, आप लोगों में से आधे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा ये आंसर सही है, एग्जामिनर इस आंसर को देखते हुए भी क्वेश्चन फ्रेम करेगा, उसमें ऑप्शन ये भी होगा और आप इस ऑप्शन को टिक करके बड़ी खुशी से आ जाएंगे जैम के पेपर में अगर ऐसा हुआ, लेकिन ये गलत है, अभी भी क्वेश्चन ये क्वेश्चन अभी भी गलत है, हमारी इंफॉर्मेशन अभी भी अधूरी थी। क्या था हमारे पास, हमने
इस पॉइंट को तो सॉल्व कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट दिस पोजीशन, व्हाट अबाउट साइन पोजीशन? मुझे साइन को भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो लेना है, मुझे साइन की वैल्यू को भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो और नॉट इक्वल टू वन लेना है, ताकि मुझे मेरा आंसर मिल जाए। इसका मतलब साइन मॉड एक्स आपको नॉट इक्वल टू वन और साइन मॉड एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ज़ीरो हुआ तो फंक्शन सेटिस्फाइड नहीं होगा। ओके, वन कब कब होता है? इसका मतलब इस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एन पाई, सॉरी एक्स इज़ यहाँ ज़ीरो कर लेता हूँ और यहाँ वन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे डबल लिख दिया। एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एन पाई और एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। इसका मतलब एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ना तो वो ज़ीरो होगा, ना तो वो पाई होगा, ना तो वो टू पाई होगा। बस एक रेवोल्यूशन तक हम इसे चेक कर लेते हैं। एक्स इज़ नॉट इक्वल टू पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू और फाइव पाई बाय टू, इसकी इक्वल भी नहीं होगा। अब मुझे इन सब की वैल्यू के बीच में इसको चेक कर लेना है। और मुझे दिया क्या हुआ है यहाँ पर, और तो कोई एक्सप्रेशन में वैल्यू नहीं दी हुई, और तो कोई एक्सप्रेशन में वैल्यू नहीं दी हुई। लेकिन एक बात और है, मुझे ये पता है कि ये ए की वैल्यू मेरे पास साइन, क्योंकि ये बेस में आ रहा था और बेस को मैं ज़्यादातर ये बोलता हूँ कि ज़ीरो और वन के बीच में लाई करता है, ज़ीरो और वन के बीच में लाई करता है। ओके, अब मेरे पास आंसर कितने आ रहे हैं? यहाँ से मुझे इन तीनों की इंटरसेक्शन लेनी है। एक्स बिलोंग कर रहा है थ्री टू फाइव, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, पाई, पाई की वैल्यू अगर मैं 3.14 लूँ तो ये वाली वैल्यू आगे 3.14 इसमें आ रही है, और ये 3.14 इंटू टू दैट इज 6 पॉइंट समथिंग, ये वैल्यू इस इंटरवल के बीच में नहीं है, तो ये नहीं लूँगा मैं। और कौन कौन सी लूँगा? 3.14 पाई, थ्री बाय टू, ये इस इंटरवल के बीच में नहीं आ रही है, ये आ रही है 3 × 2 दैट इज़ 9/2, 4/5 आ रही है, 4 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो ये वाली वैल्यू लूँगा। इसका मतलब एक्स बिलोंग कर रहा है आपके पास 3/5 में तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसमें से हटाना क्या क्या पड़ेगा? मुझे हटाना पड़ेगा पाई और 3π/2, पाई और 3π/2, दैट इज़ द करेक्ट आंसर, नॉट दिस। समझ आ रहा है? ये है हमारे पास जैम के क्वेश्चन, जो छोटी छोटी बात को लेकर चलते हैं, जो छोटी छोटी बात को लेकर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर ऑफ दिस लेक्चर, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 5 में, जिसमें मैं आप लोगों के साथ पीस वाइज फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आप लोगों को ट्रांसेंडेंटल सॉल्यूशन के बारे में, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के बारे में बता दिया था। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन भी साथ साथ लिखते रहना, साइन ऑफ एन पाई, साइन ऑफ एन पाई नहीं, थोड़ी देखने में मैंने मिस्टेक कर दी, साइन ऑफ पाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स का फुल मॉड, लॉग ऑफ मॉड एक्स का फुल मॉड। देखो, अगर मैं ये बात बोलूं कि मैंने मॉड एक्स को अगर मैं वाई ले लूं तो उसमें कोई भी मैं अनर्थ नहीं बोल सकता, तो मेरे पास ये साइन ऑफ पाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई का फुल मॉड आ जाएगा, और जिसकी वैल्यू को मुझे पता है ये लॉग ऑफ वाई और लॉग ऑफ वाई विद नेगेटिव साइन, लॉग ऑफ वाई विद नेगेटिव साइन, और वाई ग्रेटर देन ज़ीरो, वाई लेस देन ज़ीरो, वाई ग्रेटर देन ज़ीरो और वाई लेस देन ज़ीरो, तो ठीक है। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, तो चलो इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन ग्राफ बनाते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हुआ क्या ये हमारे हमारे जो नॉलेज में ये बात है तो ये कैसे बनी। देखो, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर सबसे पहले तो मैं ये पोजीशंस को डिफाइन कर लूँगा, ये कौन कौन सी पोजीशंस हैं, दैट इज़ पाई एक्स वाली टर्म बनेगी ना, तो ये पाई की वैल्यू तो पहले से दी हुई है, तो चलो मैं इसको ये बात बोल देता हूँ कि ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, वन टू थ्री फोर, बस ये पाई बाय टू, फिर पाई ऐसे ऐसे करके मुझे इसकी वैल्यू को लेना है, ठीक है, क्योंकि ये पाई बाय टू, टू पाई, थ्री पाई बाय टू, तो ये पाई तो पहले ही ना, इसलिए मैंने इसको लिया सिर्फ दिखने के लिए, ठीक है, दिख रहा है ना, वो फ्रेम से बाहर था मुझे पता, अभी अभी दिखा मैंने, तो ध्यान रखना इस बात का।
ठीक है, इधर से भी मेरे पास टर्म कितनी है, ये तो बन गया ज़ीरो, ये बन गया माइनस वन, ये बन गया माइनस टू, माइनस थ्री। मैं यहाँ से इसको हल्की सी डॉटेड लाइन कर लेता हूँ जहाँ तक मुझे ये वैल्यू चाहिए, बिल्कुल हल्की सी बारीक सी लाइन, ताकि मैं अपने साइन के ग्राफ को इसी बाउंड्री के बीच में रख सकूँ। चलो साइन का ग्राफ स्टार्ट करते हैं, साइन ज़ीरो ज़ीरो, फिर ऊपर, फिर टू पाई, थ्री पाई बाय टू, ये नंबर बनेगा ऐसे। सिमिलरली इधर आएगा ये नंबर ऐसे, टू से क्रॉस करता हुआ जाएगा ऐसे, फिर यहाँ से हमारे पास नया फंक्शन बनेगा जो टर्न करेगा यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है जी, वैल्यू, ये वैल्यू आई होप ठीक बनी होगी। नेक्स्ट, अब मेरे पास टर्म कितनी है यहाँ पर, हाँ ये बात आप लोगों के सामने रखने वाली है। नीचे मैं कुछ और ग्राफ बना रहा हूँ, अगर मेरे पास log y होता है, और सॉरी सिर्फ log y होता है और वो फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, तो मैं फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा सा बनाता हूँ। लेकिन अगर वो एफ ऑफ एक्स, अगर log y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स हो जाता है, तो मुझे इसका मिरर रिफ्लेक्शन साथ साथ लेना पड़ेगा, और ये अमित एम अग्रवाल की ग्राफ की बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ। मैंने ये बिल्कुल मिरर रिफ्लेक्शन ले लिया, और जब मैं इसका फिर से फुल मॉड करूँगा, लॉग वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखते हैं, एफ ऑफ मॉड एक्स का मॉड, तो ये ग्राफ मेरे पास एक तो